इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रोम में हम सिक्योर DNS कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये होता क्या है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। देखिए, क्रोम में जो है, अगर आप सिक्योर DNS को सेटअप कर लेते हैं तो एक VPN की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई अदर VPN यूज़ कर लेते हैं तो ब्लॉकेड साइट भी खुल जाती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी काम करती है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्रोम को खोलता हूँ और क्रोम को खोलने के बाद यहाँ पर जो है तीन लाइनों पर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिक्योर DNS मिल जाती है जब हम थोड़ी नीचे जाते हैं, ठीक है। ये यूज़ सिक्योर DNS, ठीक है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक है। अभी इसको हम खोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको बंद मिलेगी ज़्यादातर जो है, और इनेबल करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पर अनदर प्रोवाइडर भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोवाइडर URL हो गया, या फिर कस्टमाइज जो हो गए यहाँ पर, जैसे coldfire.1.1.1 इसकी एप्लीकेशन भी है, गूगल पब्लिक DNS फैमिली फिल्टर, तो ये सब कोई सा भी आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, या जो आपके पास प्रोवाइड हो वो भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।